दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल के डेस्कटॉप साइट पर और बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल के YT स्टूडियो ऐप के अंदर कुछ इस तरीके का एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है। अब इस चीज को देख के बहुत सारे यूट्यूबर सोच रहे हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, मुझे क्या करना होगा और इससे कहीं मेरे चैनल को कोई नुकसान तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह नोटिफिकेशन जो आपको अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल रहा है इसका क्या मतलब होता है और आपको आगे क्या करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से जरूर देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करता हूं, मैं अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि क्या नोटिफिकेशन मिला है मुझे भी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने अपने YT स्टूडियो ऐप को ओपन किया तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे भी एक नोटिफिकेशन देखने को मिला। सबसे ऊपर में यहाँ पे लिखा है, एज ए वैल्यूड यूट्यूब क्रिएटर्स वी इनवाइट यू टू हेल्प गाइड डिसीजंस अबाउट टूल्स एंड फीचर्स टू हेल्प क्रिएटर्स सक्सेस। ठीक है दोस्तों, तो YouTube कर रहा है कि आप एक वैल्यूएबल YouTube क्रिएटर्स हैं और हम लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं YouTube के हेल्प गाइड में और हम लोग नए नए फीचर्स और टूल्स जो लाएंगे उसके बारे में आपको फीडबैक देना, एक तरीके से राय देना है जो कि यूट्यूबर्स के चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। और यहाँ पे नीचे में लिखा है डिसमिस, दूसरे नंबर पर लिखा है टेक द सर्वे। अगर आप डिसमिस पे क्लिक कर देंगे तो यह नोटिफिकेशन डिसमिस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर आप टेक द सर्वे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछेगा यूट्यूब, जिसपे आपको क्लिक करके फीडबैक देना है। आपको लिखना नहीं, बस टिक करके फीडबैक देना है। तो फ्रेंड्स, मैं चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए टेक द सर्वे पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेक द सर्वे पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप टेक द सर्वे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का एक नया पेज ओपन होगा और हो सकता है थोड़ा सा एक पेज ओपन होने में टाइम लगे, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा 5-10 सेकंड 15 सेकंड का। उसके बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से पूछेगा, सर्वे में हिस्सा लेने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भाषा सुने, आपकी कौन सी भाषा है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, जापानीज है, ड्यूस है, फ्रेंच है, और जो भी है भाषा यहाँ पे अपनी भाषा जो भी आप चुनना चाहे इसको चुन सकते हैं ताकि आप उस भाषा में अच्छे से इसको समझ के फीडबैक दें। एक तरीके से ये फीडबैक है, सर्वे है, इससे फ्रेंड्स आप यूट्यूब सर्वे ले रहा है कि आप यूट्यूब को कितना रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे मैं इंग्लिश के जगह हिंदी में सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि अच्छे से मैं इस चीज को समझ पाऊं। तो मैं क्या करूंगा, हिंदी में सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो फ्रेंड्स मुझसे पूछेगा कि क्या आप यहां पे आगे कर दूंगा, तो मुझसे पूछेगा आपकी एज कितनी है, आप 13 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं हाँ लिखूंगा, यानी मेरी एज जो है ना 13 साल से ऊपर की है, तो हाँ पे टिक करके मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। आगे बढ़ाने के बाद फिर से दोस्तों मेरे सामने एक पेज आएगा और उसमें पूछेगा आपकी एज कितनी है, जैसे 13 साल से 17 साल के बीच में है, 18 से 24 साल के बीच में है और 25 से 29 साल के बीच में है, जो भी एज होगी यहाँ पे आपसे पूछेगा, तो जो आपकी एज होगी आप उसको सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देना, यानी आगे कर देना है। जैसे दोस्तों इसको आगे करेंगे इस तरीके का आपके सामने एक पेज आ जाएगा, इसमें बहुत सारे YouTube के बारे में लिखा है कि आपको ये फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आगे आपसे और भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमें और अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में मदद करेगा, जिससे आपका चैनल ग्रो होगा, ठीक है। तो आप इसको दोस्तों पढ़ लीजिएगा ध्यान से और जो भी आएगा, और बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टिक करना होगा, मैं सहमत हूँ, यानी एग्री पे करके इसको आगे कर देना है। जैसे दोस्तों इसको आगे करेंगे फिर से आपके सामने नया पेज आएगा और फीडबैक देने के लिए बोलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सर्वे में आपका स्वागत है, कृपया वीडियो एक क्रिएटर के तौर पर अपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए गए सवालों का जवाब दे। आपको जवाब देना है, कुछ सवाल पूछेगा क्रिएटर, तो वहां पर आपको जवाब देना है, तो इसको आपको आगे कर देना है। आगे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे YouTube आपके चैनल की कैटेगरी पूछेगा, एक तरीके से कि YouTube पे आप किस टाइप के वीडियो बनाते हैं, जैसे कि एनिमेशन है, ऑटो कार है, ऑनलाइन कोर्स है, करियर, पैसा, कला, डिजाइनिंग, ब्यूटी का, कुकिंग का, खूबसूरती का, जो भी घर की सजावट का, गेमिंग का, यानी जितने भी ब्लॉग्स का, न्यूज का, जितने भी करीब करीब कैटेगरी आप है, यानी फ्रेंड्स आप उस टाइप के वीडियो बनाते हैं, इसमें से आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे नीचे तक कैटेगरी दी गई है, तो फ्रेंड्स मैं इसमें अपनी जो कैटेगरी ढूंढ रहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नहीं मिला है, करियर और पैसा पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से आपकी भी जो भी कैटेगरी हो, जिस टाइप की आप वीडियो बनाते होंगे यूट्यूब पे, उस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जब भी आप इसको आगे बढ़ेंगे तो फिर से दोस्तों यूट्यूब आपसे रिकमेंडेशन में एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप मतलब कि YouTube के अलावा आप कौन कौन से ऐप को यूज करते हैं, जैसे कि आप Instagram हो गया, Facebook हो गया, Amazon Prime हो गया, MS टकाटक हो गया, Snapchat हो गया, इन सब के को ऐप को अगर आप यूज करते हैं तो कितना यूज करते हैं और ये आपके लिए कितना फायदेमंद है, कितनी आपकी इनसे अर्निंग होती है, कितने परसेंट की अर्निंग होती है, तो आप इसका फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक सर्वे है और आप उससे कितना खुश है, सेटिस्फाइड है, इस तरीके का आपको कुछ टिक टिक करके आपको आंसर देना होगा, उसको नेक्स्ट कर देना होगा। उसके बाद फिर YouTube आपसे भी पूछेगा कि आपके लिए YouTube कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, बहुत अच्छा है या ठीक ठाक है या अच्छा नहीं है,
तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, तो मैं बहुत अच्छा पे या बहुत सहमत हूँ पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दूंगा। और पूछेगा कि आप क्या यूट्यूब पे अपने चैनल को मतलब कि ग्रो करने के लिए लोगों को कितना प्रोत्साहन देंगे, क्या यूट्यूब आपकी लाइफ को बदल सकता है, यूट्यूब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्या आप लोगों को उत्साहित करेंगे कि यूट्यूब पे काम करें जिससे कि लोग अपनी जिंदगी को बदल सके। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है और एक यूट्यूब को फीडबैक दे देना है। फीडबैक दे देंगे जब तो क्या होगा पता है, आपके हिसाब से YouTube अपने प्लेटफॉर्म पे नए नए अपडेट लाएगा, नए नए टूल्स लाएगा, नए नए फीचर्स लाएगा और उस फीचर्स की मदद से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये सर्वे देना जो है ना जरूरी नहीं है, आप इसको डिसमिस भी कर सकते हैं, लेकिन आप सर्वे पे क्लिक करेंगे और इसको सर्वे देंगे, क्वेश्चन पे फीडबैक देंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने सीखने को भी मिल जाएगा और सर्वे के हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म को यूट्यूब ग्रो करेगा, नए नए फीचर्स नए नए अपडेट लाएगा जिससे कि आप अपने चैनल को ग्रो करेंगे और यूट्यूब चैनल से अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों अपडेट, कोई खास अपडेट नहीं है लेकिन सर्वे का अपडेट है, जो भी है अच्छा अपडेट है और आप चाहें तो इसको सर्वे दे सकते हैं और आपको देना भी जरूर चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो जो कि मैंने आपको बताया, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।